नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स का टेक साइंस में स्वागत है। मैं हूं अमृत। आज हम आप सभी व्यूअर्स के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसके माध्यम से हम आप सभी व्यूअर्स को यह समझाएंगे कि एलटीएम डिज़ाइनर में सिंगल साइड पीसीबी को किस तरीके से बनाया जाता है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम एलटीएम डिज़ाइनर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। न्यू पर जाएंगे, प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम 5 वोल्ट रेगुलेटर रख देता हूँ। तो चलिए अब हम इसको एक लोकेशन पर सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट सेव कर लेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। तो चलिए अब इसके अंदर हम एक स्कीमेटिक शीट ऐड कर लेते हैं। उसी तरीके से हम एक पीसीबी शीट को, पीसीबी डॉक्यूमेंट को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो चलिए अब हम दोनों को सेव कर लेते हैं। अब तो मैं इसको प्रोजेक्ट के नेम से ही सेव कर देता हूँ। इसको भी मैं प्रोजेक्ट के नेम से ही सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी स्कीमेटिक शीट होती है। ये हमारे स्कीमेटिक शीट्स के ऊपर हम जिन जिन टूलों का यूज़ कर सकते हैं, ये वो टूल बार है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि स्कीमेटिक बनाने के लिए सिंबल्स को किस तरीके से इसके अंदर लाया जाता है। तो सिंबल्स हम खुद भी बना सकते हैं और हम ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज जो हम पीसीबी बनाने जा रहे हैं उसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि हम ऑनलाइन सिंबल और फुटप्रिंट किस तरीके से, कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम गूगल क्रोम को खोल लेते हैं। करके वेबसाइट है, हम उस पर जाएंगे जो कि हमें सिंबल, फुटप्रिंट और फुटप्रिंट के ऊपर 3D बॉडी लगाकर हमारे लिए सिंबल्स प्रोवाइड करता है फॉर स्कीमेटिक, फुटप्रिंट्स प्रोवाइड करता है फॉर पीसीबी और 3D कैड प्रोवाइड करता है फॉर मॉडल्स प्रोवाइड करता है फॉर 3D कैड। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से हमें डाउनलोड करना है। तो हम सबसे पहले रिसोर्सेज पर जाएंगे। एलटीएम लाइब्रेरी लोडर हेल्पर मैं क्लिक कर दूंगा। सेमैक्सिस हमें एक डायरेक्टली हमें एक इनबिल्ट फीचर देता है ही, जहाँ पे हमें इनकी वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ता है। हम डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर से ही हम पार्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे हेयर पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि जो भी जिप फाइल हमारी डाउनलोड होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और उसके बाद .exe में कन्वर्ट करके हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है, जैसे कि हम सभी सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करते हैं उसी तरीके से हमें इसको नेक्स्ट 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 करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो मैंने तो ऑलरेडी कर रखा है, तो बट फिर भी मैं आपको फॉर योर रेफरेंस बता देता हूँ। तो जैसे कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक फोल्डर बन के आ जाएगा, उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अंडरस्कोर होगा। तो बेसिकली इसको रीनेम करके .exe एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर लेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप इसको सिंपली कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी सेम प्रोसीजर से हम इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम अपने LTM पे जाएंगे। LTM में जाने के बाद फाइल पर क्लिक करते ही देखेंगे कि आपका एक सबसे पहले सिंबल फुटप्रिंट 3D मॉडल सेमैक्सिस का सिंबल के साथ बन के आ जाएगा। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो जब आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं और आपने विंडो फर्स्ट टाइम खोली है ये वाली, तो यहाँ पे आपको एक
यहाँ पे आपकी लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सेमेक्सिस की वेबसाइट पर जाके प्रोडक्ट और कंपोनेंट सर्च के ऊपर जाके यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है। तो ऑलरेडी मैंने रजिस्टर किया हुआ है, तो हमें तो करने की ज़रूरत नहीं, बट आप कर लीजिएगा। तो चलिए, अब फिर उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो चलिए, हम आज 5 वोल्ट रेगुलेटर का सर्किट बनाएंगे। तो LM7805 रेगुलेटर हम ले लेते हैं। तो जैसे ही मैं ये पार्ट सर्च करूंगा तो यहाँ पे एक लिस्ट खुल कर आ जाएगी, जिसमें से आप कोई भी पार्ट, जो बेसिकली आपके जो भी पार्ट नंबर से मैच होता है, वो पार्ट यहाँ से उठा सकते हो। बट मेक श्योर, जो भी आप पार्ट उठाते हैं या सिंबल उठाते हैं, एक बार उसको अपनी डेटा शीट से जरूर मैच कीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो सिंबल्स और फुटप्रिंट्स होते हैं, कई बार मिसमैच भी हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी लोग लाइक ह्यूमंस ही हैं, जो हम हमारी तरीके से जो इंजीनियर्स काम करते हैं, वो ही यहाँ पे सिंबल्स और फुटप्रिंट्स अपलोड करते हैं। तो मेक श्योर कि जो भी पार्ट नंबर है, जो भी यहाँ पे हमारा सिंबल है या फिर फुटप्रिंट है, तो उसको आप एक बार दोबारा से रीचेक या फिर वैलिडेट कर लें अपनी डेटा शीट के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपका कभी भी कोई भी आप सिंबल या फिर फुटप्रिंट अपने किसी भी पे रख रहे हैं, तो वो कभी भी मिसमैच या फिर कोई एरर ना दे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर। तो एड टू डिज़ाइन पर करने के बाद हमारा जो फुटप्रिंट और सिंबल है, वो बन के रेडी हो जाएगा। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मेरा ये सिंबल बन के मेरी शीट के ऊपर आ गया है। तो अब हम कंपोनेंट पर जाएंगे। तो ये लाइब्रेरी बेसिकली इंस्टॉल्ड नहीं होती, हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। यहाँ पे 3 बार जो देख रहे हैं, इस पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे, तो फाइल पे लाइब्रेरी प्रेफरेंसेस पे जाके इंस्टॉल पर क्लिक करते ही तो आपको डॉक्यूमेंट में जाना होगा। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद LTM LL पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी सेमेक्सिस की स्कीमेटिक लाइब्रेरी और PCB लाइब्रेरी है, आप दोनों को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आप सेमेक्सिस की स्कीमेटिक लाइब्रेरी को इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप क्लोज कर दीजिए। जब भी आप कोई भी न्यू कंपोनेंट इसके अंदर ऐड करेंगे, तो हमेशा मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद विंडो के अंदर रिफ्रेश कर दें उसको। तो चलिए, ये हमारा 100 माइक्रोफेरेड का कैप है। और ये हमारा 10 माइक्रोफेरेड का गैप है। तो चलिए, हम इनकी प्लेसमेंट कर लेते हैं। तो हमने पार्ट्स प्लेस कर दिए शीट के ऊपर। इनको भी हमने सिमिलरली यहीं से सम एक्सिस सिंबल पर जाके हमने डाउनलोड किया है। तो उसी तरीके से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम आपस में इनको कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखते हैं। तो ये हमारी वायर होती है, जो कि हम किसी भी एक कंपोनेंट की पिन को दूसरे कंपोनेंट की पिन से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इसको स्पेस दबाएंगे तो आपकी ये एंगल चेंज हो, एंगल नहीं, बेसिकली आप चाहे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में चेंज होगा, शिफ्ट और स्पेस को एक साथ दबाएंगे तो आपके शेप्स ऑफ लाइन चेंज होगा। जैसे कि एनी एंगल लाइन है, अब इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा दोबारा 90 डिग्री में आ गया। यहाँ से मैं पावर पोर्ट्स ले सकता हूँ, चाहे वो ग्राउंड का हो चाहे वो VCC का हो। तो चलिए, अब हम ग्राउंड ग्राउंड पे कनेक्ट कर देते हैं। कैप के नेगेटिव साइड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं और इस कैप के ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, हम थोड़ा सा इसका एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा सुंदर लगे। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हमारा जो स्कीमेटिक है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो आज आपने इस वीडियो के अंदर ये देखा कि हम स्कीमेटिक किस तरीके से बनाते हैं, और हम फुटप्रिंट्स और सिंबल्स को ऑनलाइन कैसे उठा सकते हैं,
और ऑनलाइन उठाने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए था, जो कि हमारे एल्टीएम डिजाइनर के अंदर इनबिल्ट है, जो कि सैम एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैंने आपको आज बता दिया है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस इन सिंबल्स को या फिर इन पार्ट्स को हम पीसीबी के ऊपर कैसे लेकर जाते हैं। तो वो करने से पहले सबसे पहले हम टूल्स पर जाएंगे, एनोटेट पर जाएंगे और एनोटेट स्कीमेटिक्स पर क्लिक कर देंगे। अब हम अपडेट चेंज लिस्ट पर क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। अब हम एक्सेप्ट चेंजेस पर क्लिक करेंगे, वैलिडेट करेंगे और फिर एग्जीक्यूट कर देंगे। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी नंबरिंग सॉफ्टवेयर ने हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर दी है। तो आप किसी भी कंपोनेंट का जो डेजिग्नेटर है बेसिकली, उसको कभी भी खुद नेमिंग ना कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑटोमेटिकली करके देता है। अगर आपने ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन यूज़ कर लिया और आप अपने मैनुअली भी कर दी, तो कोई ना कोई हमारा जो डेजिग्नेटर होगा वो क्लैश करेगा। तो मेक श्योर कि आप टूल पर जाके सॉफ्टवेयर की मदद से ही एनोटेशन कीजिए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब मैं डिज़ाइन पर जाऊंगा और यहाँ पे अपडेट पीसीबी डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दूंगा। तो सबसे पहले हम वैलिडेट करेंगे। तो देखिए हमारे सारे चीज़ें ओके हैं, यहाँ पे स्टेटस ओके है। तो अब मैं एग्जीक्यूट पर क्लिक कर दूंगा। तो ये भी हमारा ओके हो गया है। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारी पीसीबी के ऊपर उठकर आ चुके हैं। तो ये जो आप पिंक कलर का बॉक्स देख रहे हैं, बेसिकली इसको हम रूम बोलते हैं। इस रूम के अंदर ये जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली अगर मैं इस रूम को हिलाऊंगा तो ये मेरे कंपोनेंट्स भी साथ में इसके मूव करेंगे। वो क्यों? क्योंकि ये इनका एक एरिया है, बेसिकली इनका रूम है, जो बेसिकली ये इसके साथ इंटीग्रेटेड है बाय सॉफ्टवेयर। तो चलिए फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारे पार्ट्स हैं। तो चलिए हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो आप अपने जो हमारा ये पीसीबी एरिया है, अगर हमें इसको मूव करना है तो आप अपने माउस का राइट बटन को क्लिक करके होल्ड कर लीजिए और इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं आप ईजीली। कंट्रोल दबा के स्क्रोल को दबाएंगे तो इन एंड आउट आपका जूम एंड जूम इन एंड जूम आउट होगा। आपको इफ कंपोनेंट को हिलाना है तो सिमिलर है कि आप अपने लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिए आपका और होल्ड कर कर रखिए, तो आप इसके बाद कहीं भी अपने कंपोनेंट को मूव कर सकते हैं। आप अपने लेफ्ट बटन से जैसे ही आपने इसको होल्ड करके रख लिया क्लिक करके, तो आप सिमिलरली आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। कंट्रोल दबा के जैसे ही आप स्क्रोल इन स्क्रोल आउट करेंगे तो आप वो भी कर सकते हो। एट अ सिंगल टाइम आप मल्टीपल कमांड्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसकी ओरिएंटेशन लाइक इसको मूव रोटेट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम मैं स्पेस बार को जैसे क्लिक करूँगा तो ये हमारा 90 डिग्री के अंदर चेंज होगा। तो चलिए हमने ये चूज़ कर लिए। तो चलिए इसी तरीके से मैं इस वाले कैप को और इस वाले SMD कैप को यहाँ तक ले आता हूँ। तो आइए हम इनको भी प्लेस कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और इस वाले कॉम्पोनेंट को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो देखिए हमने अपने कंपोनेंट्स प्लेस कर दिए हैं। बेसिकली अभी हमारी पीसीबी बहुत बड़ी और कंपोनेंट बहुत छोटे हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हमें पीसीबी का साइज़ कैसे, लाइक पीसीबी का साइज़ कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये यह हमारे जितनी भी हमारी लेयर्स हैं, तो कोई मैन्युफैक्चर जो आउटलाइन को लेता है वो कीप आउट लेयर पर लेता है और कोई कोई मैन्युफैक्चर इसे ड्रिल ड्राइंग पर लेता है। तो हम अपनी जो बोर्ड की आउटलाइन होगी बेसिकली वो पहले कीप आउट पे बना लेते हैं और फिर ड्रिल पे भी बना लेते हैं। मीन्स हम दोनों पे बनाएंगे ताकि हमें किसी भी तरीके की बाद में गड़बड़ बनाने के बाद दिक्कत ना हो। तो चलिए हम इसकी एक आउटलाइन बना लेते हैं। तो शिफ्ट और स्पेस को एक साथ दबा के मैं इसको अभी फ़िलहाल तो 90 डिग्री वाला चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए
ये मेरी एक आउटलाइन बन गई है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करके टैब पे क्लिक कर दूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एक और लाइन को मैं इसके ऊपर डाल दूंगा, प्रॉपर्टीज में जाके ये वाला ऑप्शन नहीं काम कर रहा है अभी फिलहाल, तो इसको क्लिक करने के बाद टैब दबा के पूरी की पूरी चारों लाइंस को एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। डिज़ाइन पर हम जाएंगे, बोर्ड शेप पर जाएंगे और डिफाइन फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा, उसके बाद मैं यस कर दूंगा, तो ये हमारा बोर्ड का कटआउट हो गया है। चलिए हम एक बार इसको 3D में देख लेते हैं। तो मैं जैसे ही 3 दबाऊंगा तो हमें 3D में दिखाई देगा। शिफ्ट को दबाऊंगा तो मैं शिफ्ट और राइट, शिफ्ट दबाने के बाद अगर मैं राइट वाले बटन को दबा के माउस को कहीं पे भी मूव करूंगा तो हमारी PCB मूव होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा रेगुलेटर है और ये हमारा टेंटलम है। तो इस तरीके से हम बोर्ड का कटआउट या फिर डिफाइन करते हैं। ये हमारे डेजिग्नेटर होते हैं बेसिकली, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे हम कंपोनेंट्स को रोटेट करेंगे वैसे ही हम अपने डेजिग्नेटर्स को भी रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए शिफ्ट और एस को दबाने के बाद मैं एक टाइम पे एक लेयर को देख सकता हूँ। तो चलिए हम टॉप लेयर पर चलते हैं। तो अब हमें ट्रैक डालने हैं, तो ट्रैक डालने कैसे ट्रैक डालेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो और ऑप्शंस खुलते हैं। तो अभी हम इंटरेक्टिव राउटिंग का यूज करके हम ट्रैक्स को डालेंगे। तो मैं यहाँ से एक ट्रैक यहाँ तक डालता हूँ। बेसिकली जैसे ही आप देख रहे हैं ये हमारी एयर वायर है जो कि मूव कर रही है, हमारी एयर वायर है। बेसिकली हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारी पिन है वो यहाँ से कनेक्ट है। अब ये जो हमारा ट्रैक है बहुत पतला है, तो इसकी विड्थ को चेंज करने के लिए मैं टैब दबा दूंगा। तो जैसा कि आप यह देख रहे हैं विड्थ कंस्ट्रेंट जो है हमारा, इस पर क्लिक करने के बाद जो हमारी मिनिमम विड्थ है वो हमने 10 mm सेट कर रखी है, प्रीफर्ड विड्थ जो कि हमारी वो 30 कर दूंगा और मैक्सिमम विड्थ जो कि मैं 300 mm सेट कर देता हूँ यहाँ पे, और ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं स्क्रोल अप करूँगा तो यहाँ पर मैं अपनी विड्थ को कुछ भी रख सकता हूँ, फिलहाल तो मैं अभी 30 रख देता हूँ। तो 30 हमारी ये हो चुकी है। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ और तो ये हमारा ग्राउंड भी कनेक्ट हो गया है इससे। तो फाइनली हमने अपनी PCB कंप्लीट कर ली है, बट ये कोई प्रॉपरली मैंने राउट नहीं किया है क्योंकि हमारा सर्किट बहुत ही ज़्यादा छोटा था और यहाँ पे किसी भी तरीके के रूल्स नहीं लगा के दिखाए हैं हमने। जो हमारे PCB रूल्स होंगे या फिर हमें प्लेन्स पॉलीगन्स हो गए, हैश पॉलीगन्स हो गए, या फिर और भी कंस्ट्रेंट्स होंगे, या फिर और भी और तरीके के रूल, हाई स्पीड डिज़ाइन के रूल, क्लियरेंस रूल्स, वो हम आपको आगे की PCBs के अंदर बताएंगे। बट फिर भी मैं आपको एक रूल का ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर हमें अपनी PCB के ऊपर किसी भी तरीके का रूल लगाना है तो मैं सबसे पहले डिज़ाइन पर जाऊँगा, रूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जैसे मेरी क्लियरेंस है बेसिकली अभी 10 mm है, मतलब कि हमारी किसी भी हमारा जो मेन ट्रैक है वो चाहे कोई भी होल हो, मीन्स लाइक पैड टू पैड और हमारा ट्रैक टू ट्रैक हो, तो उसके बीच ही क्लियरेंस अभी जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे हम चेंज करके अगर जैसे मैं 30 कर देता हूँ तो ये 30 हो जाएगी, लाइक ट्रैक टू ट्रैक, SMD पैड टू ट्रैक, ट्रैक टू ट्रैक TH पैड,
वाया कॉपर, तो हर जगह से हमारा ये चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली आप ट्रैक से बाकी चीज़ों के बीच के विड्थ को भी सेट कर सकते हैं क्लियरेंस को यहाँ से। बाकी शॉर्ट सर्किट के लिए हम रूल्स यहाँ से लगा सकते हैं, शॉर्ट सर्किट को अलाउ करना है तो यहाँ से कोई भी ओवरलैपिंग होगी तो हम बेसिकली इसको अनचेक रखते हैं क्योंकि हमें किसी भी तरीके की शॉर्ट सर्किटिंग नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमारी जो अनराउटेड नेट्स हैं, बेसिकली चेक फॉर इनकम्प्लीट कनेक्शंस, तो यहाँ पे हम जैसे कि हमारा कोई ट्रैक छोटा छूट गया बेसिकली, लाइक क्योंकि जब हमारे बहुत ज़्यादा कंपोनेंट हो जाते हैं, लाइक 1,000 2,000 3,000 कंपोनेंट्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे हर ट्रैक्स को पॉसिबली चेक करना हमारे लिए लाइक पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम एक एक ट्रैक को चेक कर सकें। तो हमें ये सॉफ्टवेयर इस तरीके का एक रूल देता है जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर खुद ये चेक करता है कि हमारी कोई जो नेट है या फिर हमारा जो ट्रैक है कोई अनराउटेड तो नहीं रह गया। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद चेक फॉर इनकम्प्लीट कनेक्शंस, तो इसके बाद हमारा कोई भी अगर ट्रैक हमारा रह जाएगा तो हमें एक मैसेज मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारे पॉलीगन्स के हैं और क्रीपे डिस्टेंस के हैं। बाकी ये तो हमारे इलेक्ट्रिकल रूल्स थे, बाकी राउटिंग के रूल्स, विड्थ, राउटिंग टॉपोलॉजी किस तरीके की हमें यूज़ करनी है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे शॉर्टेस्ट करी है, स्टार बस्ट भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का हमारी एप्लीकेशन टारगेट है या फिर कैसे है। बाकी एसएमटी के लिए, प्लेन कनेक्ट के लिए हमें रिलीफ पैड्स देने हैं या फिर डायरेक्ट कनेक्ट करना है। ये डायरेक्ट कनेक्शन हो गया हमारा, नो कनेक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ों को हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे कि इनको किस तरीके से हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। या फिर हम आपके लिए, अगर आपको लगता है कि आप एक बेसिकली डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, लाइक कि सिर्फ आप हर फंक्शनैलिटी लाइक लेंथ मैचिंग की एक अलग वीडियो, लाइक प्लेन्स कैसे डालते हैं, प्लेन्स के रूल्स कैसे सेट करते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए आपको, तो वो सब आप हमें बता सकते हैं कमेंट के अंदर। तो हम वैसी ही वीडियो जैसी आप डिमांड करेंगे हम वैसी वीडियो आपके लिए बना कर लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप सो आप सभी को समझ आया हो। अगर यदि आपको नहीं समझ आया है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हम ये ट्राई करेंगे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस में और भी अच्छे तरीके से समझ आए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।